अस्सलाम वालेकुम, आगा ट्रेवलर आपके साथ। सिंध की मुख्तलिफ दरगाहों की हम आपको ज्यारत करवा रहे हैं। आज हम जिस दरगाह पर आए हैं, शहीद अब्दुर्रहीम गिरोहड़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वफ़ात का आप देख सकते हैं कि 17 रबीउल अव्वल और 1192 हिजरी, यानी तकरीबन 250 साल के करीब जो है वो उनको हो चुके हैं, इस दुनिया से चले गए। शहादत का रुतबा हासिल किया, यहाँ जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो एक हिंदू थे, बहुत बड़े पंडित थे, तो लोगों को जो है वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जिहाद की और शहादत का रुतबा हासिल किया। तो बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे। हम मखदूम मोहम्मद जमा लवारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हम बदीन गए थे, तो वहाँ वो बड़े अल्लाह वाले थे, तो ये वहाँ उनके पास गए थे। वो जगह भी थी और उस हालत में वो बेहोश भी हो गए थे, गशी भी तारी हो गई थी, तो वहाँ पर उनके पास उनके लिए पास मिलने के लिए गए थे। वो भी बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे। तो इनकी जो है वो ये दरगाह है और यहाँ पर शहादत का रुतबा हासिल किया। तो ये हम दरगाह के हम अंदर आपको मनाजिर भी दिखाएँगे, लेकिन पहले हम आपको यहाँ लेकर चलेंगे कि ये जितने भी यहाँ पर लोग थे वो शहीद हुए थे, ये इनके साथी थे। यहाँ पर बहुत सारे जो है मुजाहिदीन इनके साथ थे, तो उनको जो है वो शहादत का रुतबा हुआ और वो शहीद हुए। तो दीन की खातिर जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो शहादतें दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हो? मीरपुर खास। अच्छा, मीरपुर खास से आए हैं यहाँ पर दरगाह की ज्यारत करने के लिए। जी जी। कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप पढ़ते हो? ये हम जामियतुल मदीना पढ़ते हैं। ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया, अल्लाह के वली थे, और हम भी इनकी बारगाह में आज हाजिरी देने के लिए हाजिर हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हो? मीरपुर खास से, जामियतुल मदीना। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं? जी, आप फिलहाल मदीना पढ़ते हैं, दसवीं निज़ाम आलिम कोर्स। अच्छा, आलिम का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर दरगाह पर आते हैं, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह के वो कामिल वली के मज़ार पर हाजिरी देना, और बहुत अच्छा लगा, और हमारा यहाँ पर हाजिरी हुई और की वगैरह। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मदनी काफ़िले से आए हैं इधर मगन मोड़ की तरफ, फिर हमने बोला हाजिरी दें, अब करीबी आ गए, तो अल्लाह के कामिल वली की बात। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये जी माशाल्लाह शहीद अब्दुर्रहीम गिरोहड़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। माशाल्लाह यहाँ के जो सुकून और पीस वाला माहौल है, क्योंकि अल्लाह के वली थे, इन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया, तो हम शहीद हैं, और शहीद कभी मरते नहीं हैं, शहीद हमेशा ज़िंदा होते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि शहीद जो है वो ज़िंदा हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो दुआ मांगते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो हम आपको मुख्तलिफ़ मस्जिद की भी ज़्यारत करवाएँगे, तो दुआ मांगते हैं। तो ये जो है यहाँ पर लोग नजराना भी देते हैं माशाल्लाह, और ये जो है वो सुकून के साथ जो है वो खाते हैं, इसमें जो है वो बड़ा सुकून मिलता है, बरकत वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, ये देखें आपको दरगाह के जो है वो ये माशाल्लाह जो है वो शहीद हैं, और शहीद जो है वो हमेशा ज़िंदा होते हैं। यहाँ पर अजीब किस्म का जो है वो सुकून मिल रहा है, दीन के खातिर उन्होंने जंग लड़ी और शहादत का रुतबा हासिल किया, तो बड़े अल्लाह के वली हैं। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग इनकी ज्यारत के लिए आते हैं। मस्जिद की जो है वो वीडियो भी हमने भरी थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून वाली जगह है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि काशी का काम जो है वो होता था पहले, हमारे यहाँ हाला के अंदर काशी का काम होता था, तो ये सारी मस्जिद जो है वो उस काशी के काम की जो है वो बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो है वो पत्थर, ये इसको सालों गुजर जाते हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन जो है वो ये काम, इसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होता, तो ये काशी का काम हुआ पड़ा है, तो बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है। तो यहाँ अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, इन्होंने दीन की खातिर जो है कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत का रुतबा हासिल किया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून मिलता है। हमें जाना चाहिए इनकी दरगाहों पर, दुआ मांगनी चाहिए, बड़ा सुकून वाला माहौल है।
तो इन्होंने दीन के खातिर कुर्बानियाँ दी। आगा ट्रेवलर मेरा चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये मैसेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जाए कि हमारे सिंध धरती के अंदर, सिंध धरती जो है वो अल्लाह ताला के बुज़ुर्गों से, जो अल्लाह के नेक वली हैं उनसे भरी पड़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक मरतबा फिर आपको कहूँगा कि आगा ट्रेवलर मेरा चैनल है, पूरा सिंध आपको घुमाता हूँ, सिंध धरती के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाएँ, ताकि तमाम जो मेरी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।